please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है। बारिश थम चुकी है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी अब पैनल में शरीक हो चुके हैं। कुछ देर लगा उन्हें आने में क्योंकि बारिश ज्यादा तेज थी। मैं एक बार से फिर से इनका तारुफ करा दूं। राजेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब अकाली दल का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एनडीए के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का और गठबंधन महागठबंधन का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप भंडारी जन की बात संगठन से यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद यासर जिलानी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये था आज का, स्विस बैंक में भारतीयों के बढ़ते रुपए से क्या ये साबित होता है कि काले धन का सर्जिकल स्ट्राइक अब बहुत जरूरी है? यह सवाल है जिसको कि हमने आज रखा, इसी में बातचीत हो रही। कांग्रेस का पहले पक्ष जो रखना चाह रहे थे जी, देखिए मोदी जी ने पहले राजनाथ सिंह जी जो उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, 2017 में उन्होंने कहा 100 दिन में काला धन लाएंगे। नितिन गडकरी 2013 में नितिन गडकरी जी, रविशंकर प्रसाद जी, प्रकाश जावड़ेकर जी आंकड़े देते थे कि 80 लाख करोड़ रुपया कालाधन विदेशों में है, हम 100 दिन में लाएंगे। 4 साल हो गए, एक रुपया आया नहीं। ऊपर से 7000 करोड़ रुपया 2017 में स्विस बैंक में भारतीयों का बढ़ गया। मोदी जी कहते थे कि बच्चा बच्चा जानता है कि स्विस बैंक्स में किसका पैसा है, चोर लुटेरों का है। अब ये बताएं मोदी जी कि ललित मोदी उनके दोस्त, नीरव मोदी उनके दोस्त, मेहुल चौकसी उनके दोस्त और एक और मोदी उनके दोस्त भारत के बैंकों का पैसा लेके लूट के विदेशों में भाग गए। कहते थे पासपोर्ट कैंसिल हो गया, उसी पासपोर्ट पे नीरव मोदी ट्रैवल कर रहा है। वो सारा देश का गाड़ी कमाई आम जनता की लेके भाग गए, कुछ नहीं कर पाए। गलत होगा, ये जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं ना, ये वो मानसिकता है 2G 3G जीजा जी वाली मानसिकता है। उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रही है लोग, आज तक उस मानसिकता से निकल नहीं पा रहे। जिन लोगों ने 60 साल तक लूट कर भेजा, आज वो ये जवाब मांगते हैं हमारे लूटे पे। मैंने इसलिए माइक नहीं हटाया क्योंकि जब दोस्ती वाली बात है तो मैंने आपने लूटे पैसे खुद ही वापस ले आइए ना। आप पी चिदम्बरम के पैसे खुद ही वापस ले आइए, आप जीजा जी के 2G के 3G के पैसे लूटे हुए खुद ही वापस ले आइए। आप 60 साल तक लूट कर विदेशों को भरेंगे और फिर सवाल हमसे करेंगे, इनसे पूछिए किसने दिया नीरव मोदी को 25,000 करोड़ रुपया? इन गरीब लोगों का पैसा नीरव मोदी के खाते में किसने डाला? यूपीए ने डाला। किसने डाला आपसे पूछिए? वो जो वहां पर बैठा है, जो ये एयर जो विजय माल्या है, विजय माल्या के जहाज में कौन जाया करता था? राहुल गांधी जाया करता था, वडारा जाया करता था। 25,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। सिरसा साहब आप बहुत संजीदा आदमी है, मैं आप वही बात कहेंगे जिसका प्रूफ होगा आपके पास। अनगल कोई बात नहीं कहेंगे। 7,000 करोड़ रुपया विजय माल्या ने खुद कहा, अपनी चिट्ठी में कहा कि 7,000 करोड़ रुपया मैंने 2000 पहले से लोन 14 से पहले लोन लिया था, तो 2000 पहले से सरकार तो इनकी थी। 7,000 करोड़ विजय माल्या लेकर भागा, आपने उसको 7,000 करोड़ दिया क्यों? हमारा कसूर यह है कि आप ये कहते हैं भाग गया, पर भागा तो ठीक, पैसा दिया क्यों? ये बता दें, ऑफिशियली सबको मालूम है राज्यसभा के मेंबर थे विजय माल्या जिस रात अपने जहाज से उड़े हैं भारत से, उस दिन सुबह में 11 बजे पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी से क्या मिलने गए थे? क्या बात हुई पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी से? और रात को उड़ गए, कोई रोक भी नहीं पाया, जब उनके खिलाफ क्यों नहीं डाले साहब? बहस में लौटेंगे हम आम आदमी की बात कर रहे हैं और काले धन पर सरकार की संजीदगी की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमारी लड़ाई मजबूत हुई है या कमजोर हुई है, ये सब बात कर रहे हैं। अजीत जी, सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार कहती है मेरी नीयत ही साफ है। अरे बदनीयत है ये, काले धन वाले इन्हीं के लोग हैं जो लेके भाग रहे हैं। प्रतीक जी देखिए, आम काले धन की लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है, ये कोई नहीं डिनाई कर सकता कि जितना भी बैंकों में सबसे ज्यादा जो एनपीए था विजय माल्या नीरव मोदी जैसे कॉर्पोरेट्स को 2014 के पहले का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का था। अभी विजय माल्या ने एक लेटर लिखा है जो अभी आपके सब चैनल पे चला है
कि मैं पूरा पैसा लौटाना चाहता हूं, इंडियन एजेंसी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार का सही नियत और इंटेंशन दिखाता है। अब मुझे बताइए कि जो बाहर का काला धन जो है कोई दूसरे अकाउंट में है, स्विट्जरलैंड में है, तो उसके साथ जो ट्रीटी होगी, क्योंकि ये पूरा जो विश्व है ट्रीटीज के हिसाब से चलता है, वो ट्रीटी के हिसाब से डिस्क्लोजर होगा जो भी वहां पे होगा, और तब अगर सरकार परिश नहीं करती तो सरकार की गलती है, पर अभी उसने ट्रीटी के तरीके से एक स्टेप जरूर लिया है। ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आपने 5 प्रवक्ता बुलाए हैं, बड़े महाविद्वान, बड़े प्रतिभाशाली हैं, मैं इनके प्रतिभाशाली, आपके लिए मैंने कुछ नहीं कहा, आपके लिए कुछ नहीं कहा मैंने, आपने मेरे को भी इंक्लूड, मैं इनके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, ही हैज अ राइट, ही हैज अ राइट टू स्पीक, ऑफ कोर्स ही हैज अ राइट, मैं इनकी प्रतिभा को नमन करता हूं, ही हैज अ राइट, इनकी प्रतिभा को, मनजिंदर सिंह, मनजिंदर सिंह, नहीं 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 पाएंगे तो मुझे भी आती है, अगर बदतमीजी पाएंगे मुझे भी आती है करनी, सुनिए, ये थोड़ी देर में ये भी सिद्ध कर देंगे कि पेट्रोल जो महंगा हो रहा है ये भी देश हित में है, क्योंकि सिरसा साहब, अगर सिरसा साहब, इन्होंने मुझसे कहा, इन्होंने मुझे कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, टूटी कराने वाले लोग, टूटी, नहीं 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 नहीं, सिरसा साहब, कराने वाले लोग, टूटी, सिरसा साहब, टूटी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, टूटी, टूटी, मुझे मालूम है, सिरसा साहब, दिस इज नॉट द वे, नो नो, सिरसा साहब, दिस इज नॉट द वे, सिरसा साहब, इन्होंने मुझे कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, इन्होंने मुझे कहा कोई परेशानी नहीं, यू हैव टू लिसन हिम, यू हैव टू लिसन हिम, नहीं टूटी, मुझे मालूम है, नल पानी डलता है, नल, हाँ, नल, नल चुराने वाले लोग, टूटी चुराने वाले लोग अब काले धन की बात करेंगे, ठीक, ओके, लाभ लीजिए, ये किस मानसिकता के लोग हैं, कैसे देश को चलाना चाहते हैं, कैसे लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं, ये आपके चैनल पर दिखा रहे हैं, ये बदजुबानी करके, बदतमीजी करके, लोगों की आवाज को दबा के, विपक्ष की आवाज को दबा के, इस देश में तानाशाही कायम करना चाहते हैं। देखिए सुनिए, ये तकनीकी तौर पे कितना ही घुमाते फिराते रहे हैं, देश एक बात मानता है कि मर्द की जुबान होती है, और 56 इंची मर्द की तो जरूरी होती है, वो जुबान कहाँ गई जो काला धन वापस लाने वाली थी, आज धन जा रहा है स्विस बैंकों में, केवल एक साल में 50% धन स्विस बैंक में बढ़ जाना, काला धन बढ़ जाना, और क्या ये घोटाला नहीं है कि जो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में 750 करोड़ रुपए जमा हुए, क्या जय शाह ने 80 करोड़ रुपए कमाए, क्या राफेल डील में कम दलाली खाई गई, ये घोटाले नहीं है क्या? ऑफकोर्स, ऑफकोर्स, नाउ नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, मैं आपको एक बात भाई, चारा खाने वाले बता दे रहा हूँ आपको, ये बदतमीजी मुझे भी खूब आती है, बदतमीजी हमें भी आती है, जैसे जाती आती है, बात मत करना, तमीज से बात करियो, चोरों को चोर बोलूंगा और डंके की चोर पे बोलूंगा, चोर को चोर बोलूंगा, डंके की चोर पे बोलूंगा, चोर को चोर बोलूंगा, टूटी चोर को, टूटी चोर बोलूंगा। सिरसा साहब देखिए, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिरसा साहब सभी नॉट, हाँ नहीं प्रतीक भाई आपसे भी कहता हूँ और सभी लोगों से कहता हूँ, हमारे सारे भाई बहन है, भाटी जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, भाटी जी आपकी नहीं, बात नहीं, भाटी साहब देखिए, अरे सर भाटी साहब, भाटी साहब आप मेरे मेहमान है, भाटी साहब मेहमान है, भाटी साहब देखिए सब लोग सुनिए, क्या राजनीतिक बहसबाजी में, इशू बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट में, या जो लोग पब्लिक लाइफ में है जैसे सिरसा जी या कोई सांसद या मंत्री, क्या भाषा में इस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए? इस पे आप ताली मत बजाइए, इस पे इन्हें डांटिए, आप संजीदा आदमी है सिरसा साहब, सड़क छाप नहीं है आप एक संजीदा आदमी है, टूटी टूटी आप कर रहे हैं, टूटी टूटू कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ दिया आपने, कमर टूटी देश की इकोनॉमी की, आप टूटी कर रहे हैं, ये भाषा है आपकी, आप सर मेरा सवाल अपोजिशन से है, जब आपने इतना काम, आपको लगता है कि मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो आपने महागठबंधन क्यों किया, आपने ये महागठबंधन देश के हित के लिए किया, अपने हित के लिए, राजनीति में कोई भाषा नहीं है सर, राजनीति में ये लोग कोई भी भाषा यूज कर देते हैं जी, नाउ यू रिस्पॉन्ड, मैं एक रिस्पॉन्स देता हूँ, भाटी साहब, भाटी साहब, भाटी साहब की बात को एक क्लैरिटी देता हूँ, क्योंकि 2016 में ये आंकड़ा 43% कम हुआ और हर साल कम होता गया, इसमें मैं चार रास्ते बताता हूँ, मैं बीच में नहीं बोला, मैं आपको चार रास्ते बताता हूँ, चार कंट्री से इन्होंने ट्रीटी खोल रखी थी, मलेशिया से ट्रीटी खोल रखी थी कि नहीं, खोल रखी थी, स्विट्जरलैंड से खोल रखी थी कि नहीं, खोली थी, सिंगापुर से खोली थी कि नहीं, खोली थी, ये सारे चोरी से पैसे लाने का रास्ता इन्होंने खोला था,
जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने बंद किया है। उसके बाद में प्रॉमिसरी नोट के जरिए 2004 तक सिर्फ 30,000 करोड़ आया, उसके बाद 5,00,000 करोड़ आता 2014 तक, पर लगातार इन्होंने रास्ते बना रखे थे। जो कांग्रेस ने चोरी के पैसे स्विस बैंक में ले लिए थे उसको वापस लाने के 20 रास्ते निकाल करके लाए, और वो लगातार जा रहा है। पी चिदम्बरम जेल जाएगा, सबको पता है। एक मिनट राजेश जी, सिरसा जी, सलमान साहब ये कहते हैं कि चोरी करी जिसने, हो लो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दो स्तर पे लड़ाई है, प्लीज बाबूजी, दो स्तर पे लड़ाई है। प्लीज दो स्तर पे लड़ाई है। एक काला धन वापसी लाने का था, दूसरा ये था कि अंदरूनी जो चीजें थी उनको दुरुस्त करने का। सरकार ने कहा, एक आंकड़ा दिया, उसने कहा जीएसटी के मार्फत से भी काले धन पर रोक लगी, 14% तक टैक्स बढ़ा, 2,00,000 टैक्स जो लोग थे, कारोबारी थे, वो दायरे में आए। ये इंटरनल इसका सर्वे है। पहला सवाल जो आज का था राजेश जी, वो ये था कि 50% धन जो स्विट्जरलैंड में भारतीयों का बढ़ा, उसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन था। ये आज बहस का मुद्दा है, इसी में लौटूंगा। यही सवाल है, वक्त है छोटे ब्रेक का। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, और आज का जो सवाल हमने रखा था वो ये था कि स्विस बैंक में भारतीयों के बढ़ते रुपए से क्या ये साबित होता है कि काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक अब जरूरी है। इस मुद्दे पे बात रखा था, लेकिन सवाल ये था कि जो ब्रिक्स में गए उससे पहले ये था कि आखिर जो धन बढ़ा उसको लेकर और जो घरेलू कदम उठाए गए उसको लेकर, एक एसआईटी बनाए सबसे पहले, तो वो सारे कदम इस तरफ कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो थी वो ईमानदारी से लड़ी गई या मजबूती के साथ लड़ी गई, ये सवाल है। पहली बात तो प्रतीक, जो 7,000 करोड़ है सारा का सारा काला धन नहीं है उसमें, जैसा कि अभी बताया $2,50,000 वो है, प्लस यूके में ब्रेक्सिट हुआ जिसकी वजह से काफी पैसा इधर उधर इन्वेस्ट हुआ। परंतु मैं पीछे चलिए, पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल करूंगा। पहले मैं पक्ष से करूंगा कि जो 1 जनवरी 2018 की डेट हुई, अगर मोदी जी का रुतबा इतना है विदेश में तो यही डेट अगर एक साल पहले रखी जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरा, मैं अपने कांग्रेस के भाई से सवाल करूंगा कि ये कहते हैं कि उन्होंने काला धन नहीं लाया, काला धन जो 60 साल में बना है उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, ये जवाब दें पहले। इन्होंने क्या किया आज तक 60 साल, ये दूसरों पे इल्जाम लगाना, देखिए तू मैं बहुत आसान है, पर आम जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने जितना किया कम क्यों किया, ये सवाल है। दो सवाल है, पहले सलमान साहब आप जी। देखिए, दो बार ऐसा हुआ है कि जो काले धन की परसेंटेज है वो 50 से ऊपर गई है। एक बार 2004 में जब वाजपेयी जी की जिस साल सरकार खत्म हुई है उस बार 56.5% काला धन स्विस बैंकों में जमा हुआ, तो भाजपा की सरकार थी। और 2010-11 में कांग्रेस की सरकार थी तो 43%, और इस बार 50.5%। दोनों बार 50 से ऊपर आंकड़ा भाजपा के वक्त में गया है। कांग्रेस ने क्या किया तो मैं दस्तावेज लाया हूँ। 2009 में लंदन वो जमा राशि का 43% है। हाँ, जमा राशि थी उसका 43%। अमाउंट वाज मोर। देखिए त्रिवेदी जी, अमाउंट तो भाजपा के लोग ये बताते थे कि 80,00,000 करोड़ रुपए है, ये 54 भी नहीं ला पाए 100 दिन में कहा था। ये अगर कहें कोहली साहब कि इन्होंने कम किया, इन्होंने ये कहा था 100 दिन में लाऊंगा, हर किसी को 20-20 लाख रुपए दूंगा, आज तो 50% बढ़ गया तो 30-30 लाख रुपए चाहिए, तो ये सब देना है इन्हें। दूसरी बात, कांग्रेस ने ये जो एक मिनट कांग्रेस के वक्त में जो अग्रीमेंट साइन हुए, जो G20 समिट लंदन और सियोल में फाइनेंस मिनिस्टर्स ने और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने साइन किए, उसी को बेस बना के आज काम आगे बढ़ा है। लेकिन सरकार की नियत साफ नहीं है, क्योंकि सारे चोर भारत की गाड़ी कमाई। सरकार की नियत साफ नहीं है। एक सेकंड प्लीज। मैंने वो मोदी जी का स्पीच सुना था 2014 में, उन्होंने ये कहा था, फैक्ट है कि बाहर में जो ब्लैक मनी पड़ा है आ जाएगा तो हर आदमी के हिस्से में 15 लाख आएगा, ना कि उसके खाते में डाल दूंगा। कभी ऐसा नहीं होता, सरासर झूठ बोल रही है। कभी भी खाते में पैसा नहीं डालता है, हमारे देश में आएगा, हमारे हिस्से में आएगा, हमारा तरक्की होगा। ये गलत, सरासर गलत।
ये कहीं से लॉजिक सही नहीं है। बिल्कुल ठीक, प्लीज 15 लाख हम खाते में डाल देंगे। हाँ खाते में नहीं डालेंगे। चलो सर, पहली बात है कि जब ये जो बोले हैं ये 100% फैक्ट है। मोदी जी ये बोले थे कि अगर जो 86 लाख करोड़ जो बाहर में काला धन है स्विस बैंक में, अगर वो इंडिया में आ गया तो हर एक व्यक्ति को 15 लाख वो मिल जाएंगे, ये बोले थे। जो स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें 50% काला धन बढ़ा है, मैं तो इतना जानता हूँ कि कितना ही गुमराह किए जाएं ये मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। प्रतीक जी, ये 50% काला धन नहीं है, ये धन है। ये गलत काले को इस तरीके से मत जोड़िए प्लीज। एक सेकंड, आप झूठ, आप बहुत नॉलेजेबल आदमी हो प्लीज। आप मेरे बात, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या सब यूपीए के समय, अभी मोदी जी के आने के बाद में एक कॉरपोरेट बता दो जो धन लेके जो है जिसको फ्रेश लैंडिंग दी गई या जो करप्ट हुआ, एक भी नहीं है। तो ये दिखाता है कि सरकार की नीयत साफ है। गए तो इसी सरकार में सर, इधर से है तो उसमें अब देखिए, गए तो अग्रीमेंट किया और वापस आएंगे, तो नियत ली ना, स्टेप्स लिए ना, गए तो अग्रीमेंट किया। की बात कर रहे हैं अब, आप नियत की बात कर रहे हैं, दोनों है। अच्छा, अब क्या हो गया है, अब नियत की बात हो रही है। अच्छे दिन गायब, अच्छे दिन कहाँ गए? जुमला निकला। और प्रदीप भाई देखिए, आज आप समझिए, देश का 70 साल का सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या है? वन कंट्री वन टैक्स। देश का 70 साल का सबसे बड़ा रिफॉर्म है वन कंट्री वन टैक्स, एक बात। दूसरी बात, डिमोनेटाइजेशन क्यों करनी पड़ी? क्या काला धन खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा स्टेप लिया कि आप डिमोनेटाइजेशन करो, काला धन खत्म करो? लेकिन आप समझिए, दो बातें आज समझने की जरूरत है। काला धन लेट आ रहा है, सवेर आ रहा है, ये इशू नहीं है। विषय यह है कि जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था, क्या उनके ऊपर चाबुक चल रहा है? हाँ, अगर नहीं चलता तो ये एक बैंक से दूसरे बैंक, एक मुल्क से दूसरे बैंक नहीं जाता। आज हम ट्रीटी करने में क्यों कामयाब हुए? ये ट्रीटी 70 साल पहले भी की जा सकती थी ना, हमें ही क्यों ट्रीटी करनी पड़ी? क्योंकि हमारा काला धन नहीं है, इसलिए हमें ट्रीटी करनी पड़ी। और अगर कांग्रेस ये ट्रीटी करती तो काला धन बाहर जाता ही ना। सर, कांग्रेस ने सारी वो ट्रीटी करी जिससे काला धन छुपा पाए, काला धन को सफेद करके लाने की कोशिश कर पाए। सर, काले धन भ्रष्टाचार पर, सर जल्दी। उन्होंने बोला कि मुझे चौकीदार बनाओ, मैं धन रोकूंगा। 5 साल हमने चौकीदार बनाया, कितना लोगों को उन्हें रोका। मालिया चला गया, वाड्रा चला गया, और आपका मोदी वाड्रा साहब रखता है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आते हैं।